दोस्तों आज हम जानेंगे हरी मिर्च खाने के कमाल के फायदों के बारे में। अगर आप रोजाना एक हरी मिर्च खाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों हरी मिर्च में विटामिन सी, डेट्री फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती है। साथ ही इसमें विटामिन ए, पोटेशियम और आयरन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, हरी मिर्च का तीखापन कोलेस्ट्रॉल को और प्लेटलेट के जमाव को नियंत्रित करता है, साथ ही हृदय रोग के प्रभाव को कम करके हार्ट अटैक से बचाता है। इसीलिए हृदय रोग से बचने के लिए खाने के साथ हरी मिर्च का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये पाचन क्रिया में भी बहुत फायदेमंद है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में हरी मिर्च बहुत फायदा करती है, क्योंकि हरी मिर्च में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है जो पाचन क्रिया को मजबूत करने में कारगर है। दोस्तों ये स्किन के लिए भी फायदेमंद है। जी हाँ, हरी मिर्च विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए खास पोषक तत्व माना जाता है। दोस्तों विटामिन सी त्वचा में कोलेजन को बढ़ाने का काम करता है, त्वचा को चमकाने, एंटी एजिंग और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने वाले कॉस्मेटिक के उत्पादन में भी विटामिन सी का यूज किया जाता है। इसका अगला फायदा है दोस्तों दांतों और हड्डियों के लिए। जी हाँ, हरी मिर्च कैल्शियम से युक्त होती है, जो हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद होती है, क्योंकि कैल्शियम एक खनिज है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, साथ ही इसके विकास में मदद भी करता है। अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या है या फिर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो एक हरी मिर्च खाना खाने के साथ जरूर खाइए। साथ ही हरी मिर्च आँखों के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, आँखों के लिए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई ये सब प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को हेल्दी रखते हैं और हरी मिर्च ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो आँखों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा हरी मिर्च डायबिटीज में भी फायदा करती है। जी हाँ, हरी मिर्च एक कारगर एंटी डायबिटिक के रूप में काम करती है, जो मधुमेह के मरीजों के लिए लाभकारी साबित होती है। हरी मिर्च में कैप्सासीन नामक खास तत्व होता है, जो रक्त की शकारा को नियंत्रित करने का काम करती है। साथ ही हरी मिर्च शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर डायबिटीज के जोखिम को कम करती है। तो आप भविष्य में डायबिटीज से बचना चाहते हो या फिर आपको डायबिटीज ऑलरेडी है तो एक हरी मिर्च आपको रोजाना जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हरी मिर्च का सेवन करने से वजन कंट्रोल में रहता है, क्योंकि हरी मिर्च में मौजूद कैप्सासीन वजन को कंट्रोल करने में बेहद मदद करता है। कैप्सासीन एंटी ओबेसिटी की तरह काम करता है, जो वजन घटाने में मदद करता है और शरीर में चर्बी को जमने से रोकता है। इसके अलावा ये तनाव से छुटकारा दिलाता है। जी हाँ, हरी मिर्च विटामिन्स और मिनरल्स से संपूर्ण होती है, जो तनाव को दूर करने का काम करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार विटामिन बी की उच्च मात्रा मूड को बदलने का काम करती है, जो हरी मिर्च में काफी मात्रा में पाई जाता है। साथ ही दोस्तों हरी मिर्च एनीमिया में भी फायदा करती है। जी हाँ, एनीमिया एक घातक बीमारी है जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से होती है। लाल रक्त कोशिकाओं और आयरन की कमी से ये समस्या उत्पन्न होती है और आयरन की अच्छी मात्रा हरी मिर्च में पाई जाती है, जो खून की कमी को पूरा करने के लिए कारगर है। साथ ही दोस्तों ये कैंसर तक को खत्म करने की ताकत रखती है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार हरी मिर्च में मौजूद कैप्सासीन एक कारगर एंटी कैंसर के रूप में काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।